नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी एक और नई वीडियो में। दोस्तों, खाद्य सुरक्षा को लेकर आज अंतिम दिनांक है, यानी 30 अप्रैल 2022 आज रात 12 बजे तक है, जो आप ई मित्र या फिर सीएससी सेंटर के माध्यम से जो आवेदन कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, बहुत सारे लोगों को है जो पिछले 3 से लेकर 4 दिन में बहुत ही सारी दिक्कतें आ रही है, यानी कि जो डिपार्टमेंट का जो सर्वर है वो यानी कि पूरा ठप है, काम नहीं कर रहा है। इस वजह से यहाँ पर दोस्तों काफ़ी सारे लोग हैं जो खाद्य सुरक्षा योजना से लगभग है जो वंचित हो रहे हैं। तो इसके रिगार्डिंग दोस्तों आज की अपडेट है कि क्या इसकी जो लास्ट डेट है वो आगे बढ़ सकती है, इसके बारे में अपडेट है। तो इस वीडियो को लास्ट तक आपको कंप्लीट देखना है। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो, परेशानी ख़त्म क्यों नहीं होती। DOIT यानी डिपार्टमेंट ऑफ इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, उनकी लापरवाही से 450 सेवाएँ लगभग 1 माह से बंद है, यानी कि CSC या फिर ई मित्र सेंटर पर। दोस्तों, खाद्य सुरक्षा व चिरंजीवी में नाम रिन्यूअल करवाने का आज अंतिम दिन, 4 दिन से सर्वर है वो बंद है और इन सेवाओं की अभी साइट वो बंद है, कृपया बाद में कोशिश करें, ऐसा दोस्तों वहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है। तो अब खाद्य सुरक्षा योजना में नाम है वो कैसे जुड़वाएं, या फिर जो ई मित्र धारक है वो नाम कैसे जोड़े, तो इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं कि क्या जो इसकी लास्ट डेट है वो आगे बढ़ सकती है, सर्वर एक बार फिर से ठीक किया जा सकता है। इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। सरकार ने खाद्य सुरक्षा में नाम जुड़वाने, चिरंजीवी योजनाओं के रिन्यूअल करवाने जैसी आमजन को लाभ देने वाली महत्वपूर्ण योजनाओं में आवेदन करने की जो लास्ट डेट है वो आज यानी 30 अप्रैल है और 1 महीने से लगभग ई मित्र सेवा का सर्वर काफ़ी धीरे चल रहा है, स्लो। इसके चलते प्रदेश के लाखों परिवार सरकार की जो खाद्य सुरक्षा चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में नाम जुड़वाने से वंचित होने पर मजबूर है। दोस्तों, सर्वर की शिकायतों के बाद भी है जो डिपार्टमेंट ने जो 1 महीने से वो सर्वर ठीक नहीं कर रहा है, इसका दोस्तों जो खामियाजा है, जो नुकसान है, वो आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। सरकार की ओर से आम जनता को सहूलियत देने के लिए ई मित्र पर 450 सेवाएं तो शुरू कर दी, लेकिन सर्वर की स्पीड नहीं होने से आमजन की सेवाओं का लाभ है वो नहीं मिल पा रहा है। जिम्मेदारों की लापरवाही के चलते जरूरतमंद परिवार वो योजनाओं से वंचित हो रहे हैं। मामले में DOIT ऑफिसर्स हैं, उनका कहना है कि खाद्य सुरक्षा में नाम जुड़वाने के लिए संख्या से ज़्यादा अधिक आवेदन आने के कारण सर्वर बार बार है जो क्रैश हो रहा है, हालांकि ठीक करने का काम जारी है। उधर DOIT की लापरवाही लोगों पर भारी पड़ रही है। सरकार ने अगर नाम जुड़वाने की तारीख 1 महीने और नहीं बढ़ाई, सर्वर ठीक नहीं हुआ, तो दोस्तों यहाँ पर प्रदेश के लगभग लाखों लोग हैं जो इसका लाभ नहीं ले पाएंगे। तो यहाँ पर दोस्तों कहने का मतलब है कि अभी डिपार्टमेंट को पता है कि सर्वर काम नहीं कर रहा था और काफ़ी सारे जो लोग हैं वो वंचित हैं। यहाँ पर दोस्तों आप राइट साइड में देख सकते हो, दिस साइट कैंट प्रोवाइड एंड सिक्योर कनेक्शन, ऐसा कुछ है जो इंटरफेस आ रहा था फॉर्म भरते टाइम, यानी कि सर्वर है वो काम नहीं कर रहा है, स्लो चल रहा है। नाम जोड़ने की तारीख नहीं बढ़ी तो हज़ारों लोग वंचित होंगे, ठीक है। तो बिल्कुल आप सबको पता है कि अगर जो सर्वर है उसको सही से नहीं किया गया, जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि अगर साइट को ठीक नहीं किया गया तो यहाँ पर है जो आपका फॉर्म नहीं भर पाएगा। वैसे भी आज 1 दिन में है जो इतने सारे फॉर्म नहीं भर पाएंगे। तो दोस्तों उम्मीद है कि डिपार्टमेंट इसको जल्दी है जो लास्ट डेट अंतिम तिथि को बढ़ाकर है जो 1 महीने और कर दिया जाए। दोस्तों इसके रिगार्डिंग आज डिपार्टमेंट की तरफ से ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ सकता है, तो जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा तब आपको तुरंत ही चैनल पर वीडियो के माध्यम से जो जानकारी दे दी जाएगी। बस आप अपने डॉक्यूमेंट तैयार रखें और CSC सेंटर पर है जो जाकर एक बार उनसे वहाँ पर विजिट करके एक बार उनसे बोलें कि क्या लास्ट डेट आगे बढ़ गई है, सर्वर काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो उम्मीद करता हूँ जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और जैसे ही दोस्तों डेट बढ़ने की कोई भी अपडेट आएगी तब आपको सबसे पहले इस चैनल के माध्यम से जो जानकारी दे दी जाएगी। वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करके जो नोटिफिकेशन बेल है उसको ऑल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।